सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फरहत व्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो है रिव्यू प्लस डेमो वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, ये जो चैनल है ये टोटली फेयरनेस को सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ फेयर बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ जो फेयर होते हैं वही खूबसूरत है, वो ये चैनल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है कि इफ यू आर फेयर देन ओनली यू आर ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं है। Everyone is beautiful in their way. Hope you get my point. मैं क्या कहना चाहती हूँ। So without any further delay, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो मैं रिव्यू प्लस डेमो बताऊंगी जो प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी, देन इसका डेमो दूंगी। तो इसके बारे में मैं बता दूं तो इसका एमआरपी है 499 रुपीज एंड यू आर गेटिंग 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और इसमें सिलिकन और पैराबिन नहीं है। और ये उपटन जो फेस मास्क है दिस इज सैफ्रन टर्मरिक और एप्रिकॉट ऑयल, इसमें जो मेन 3 प्रोडक्ट है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। एंड या ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने काफी बार इसे यूज किया और ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप, मैन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया इसके बाद। अब तो हम इसके पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, जब हम इसको खोलते हैं तब एक टब आता है इसमें जिसमें एक्चुअल जो इसका प्रोडक्ट है उसके अंदर है एंड वी आर गेटिंग अ स्पैचुला विद इट टू। जब हम इसे ओपन करेंगे इसका टेक्सचर भी मैं आपको बता दूं तो ये एक फॉर सेफ्टी कि आपका पैक जो है वो कहीं गिरे नहीं, तो यहाँ पे ये पैक है। इसका जो टेक्सचर है वो एक ये क्ले मास्क टाइप का इसका टेक्सचर है एंड और इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा, इसका जो खुशबू है थोड़ा हाई है। अगर आप खुशबू वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हो तो आप इससे शायद आप इसको पसंद ना करो, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इसको लेकर, बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी सी भी फ्रेग्रेंस वाली प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती तो आपको शायद ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे, बट फॉर मी ये बहुत ही अच्छा है एंड इफ यू मतलब आप डील कर सकते हो उससे तो ये आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा साबित होगा। आते हैं इसके एप्लीकेशन के बाद ये कैसा होता है। तो एप्लीकेशन के बाद तो मैं बताऊंगी, बट जब आप इसे वॉश कीजिएगा तो आपके फेस को लगेगा कि बहुत ठंडक मिल रही है, आपका फेस बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। आपके फेस में जब वाटर स्प्लैश होगा तब आपको ऐसा फील लगेगा यू आर अप्लाइंग सम कोल्ड वाटर ऑन योर फेस। अगर आप नॉर्मल भी वाटर स्प्लैश कर रहे हो तब भी आपको कोल्ड वाटर का एहसास होगा। दैट इज वेरी गुड पार्ट अबाउट दिस फेस पैक, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है एंड यू अप्लाइंग अ फेस मास्क और आपको इतना अच्छा हाइड्रेशन दे देता है, वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि एप्लीकेशन के बाद ये कैसा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं अभी से हम अप्लाई कैसे करें। पहले एप्लीकेशन से पहले अपने हेयर को आपको बहुत अच्छे से पीछे कर लेना होगा कि ताकि आपका कोई भी जो हेयर है आपके फेस पे ना आए। पैक लगाने से पहले फेस को पूरा अच्छे से वॉश करना होगा, वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लेना होगा। तो मेरे फेस में एक्चुअली अभी कोई मेकअप नहीं है एंड अब मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो इसमें जो प्रोडक्ट है मैं इसे ही यूज कर लूंगी अपने फेस पे, इनफ प्रोडक्ट है ये आराम से आपके फेस पे लग जाएगा। तो आई एरिया को हमको छोड़ के लगाना है। अप्लाई अ थिक लेयर। तो अब हम इसे 15 मिनट तक अपने फेस पे रखेंगे, देन वी विल वॉश ऐसे स्क्रब करके थोड़ा। तो मैं अब आती हूँ 15 मिनट के बाद एंड फेस वॉश करने के बाद। दिस इज हाउ माई फेस लुक आफ्टर वॉश। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा एक प्लेन टेक्सचर हो गया है फेस का, ब्लेमिशेस जो थे वो भी काफी लाइट हो गया है, जो सारे मेरे फेस में ब्लेमिशेस थे फोरहेड पे जो थे एंड फेस के जो स्किन टोन है वो एक इवन टोन हो चुका है। देन एक ग्लोई एक ग्लो आ गया, एक अच्छा ग्लो जो होता है नेचुरल ग्लो वो आपके फेस में, जो ब्राइटनेस की बात इसमें बताई गई थी तो ये ब्राइटनेस भी, वो जो ग्लो आ रहा है उसमें ब्राइटनेस भी है कि हाँ फेस ऐसा आपका एक ब्राइटी लुक दिख रहा है। एंड जो लाइटनिंग की बात थी तो लाइटनिंग आपका एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, तो आप रेगुलर यूज कीजिएगा तो आपके फेस में आपको डिफरेंस जरूर समझ में आएगा। सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट वेरी मच, हाईली रिकमेंडेड, जरूर इसे यूज कीजिए एंड टेल मी योर ओपिनियन अबाउट दिस। जरूर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आगे कैसा वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट कीजिए एंड ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट। सो बाय बाय गाइस।